क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। 4 अंक का सवाल है 2020 सेट ए कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुलक। बहुलक तो आता ही है, निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए टेबल में है, इसे पहले वाले वीडियो में किसका सवाल बनाया था, माध्यिका का, वो भी टेबल में रहता है, ये भी टेबल में है, लेकिन यहाँ बहुलक ज्ञात कीजिए बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुलक है तो बहुलक का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फिर ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, इसका जो है बहुलक का फार्मूला, तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, ये जीरो है, एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, इनको छोटा छोटा लिखना है, गुड़ा एच। बटा को आपको यहीं तक लगाना है, इसको इधर नहीं लाना है, समझ में। एल प्लस एफ वन, ये एफ है, एफ वन माइनस एफ जीरो गुड़ा एच बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। अब ये जितना भी दिया है ये सब आपको इसमें इस टेबल में ढूंढना है, क्लियर हुआ। पहला चीज फार्मूला याद होना चाहिए बहुलक का, दूसरा आपको ढूंढने आना चाहिए कौन किसका मान है। तो आपको देखिए इजीली बता देता हूँ मैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखना है सबसे ज़्यादा कौन है, नीचे में देखना है, ऊपर में नहीं ना, जैसे 4, 5, 16, 12, 3, 2, तो सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए 16, सबसे ज़्यादा कौन है 16, यहीं पर आपको याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा होता है वो बहुलक होता है, सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, बहुलक। और बहुलक को दर्शाते हैं एफ वन से, किसे दर्शाते हैं एफ वन से, समझ में आए। जो सबसे ज़्यादा है वही बहुलक है, उसको किसे दर्शाते हैं एफ वन से। अब याद रखिएगा जैसे ये वन है तो वन के बाद क्या आता है टू, तो याद रखिएगा ये 16 के बाद क्या आया 12, तो ये क्या हो जाएगा एफ टू। वन के पहले क्या आता है जीरो, तो ये 5 क्या हो जाएगा एफ जीरो, समझ में। सबसे ज़्यादा है वो बहुलक, उसको एफ वन से दर्शाते हैं, चूँकि वन के बाद टू आता है तो एफ टू, वन के पहले जीरो आता है तो एफ जीरो। अब देखिए है ना आसान, ये देखिए एफ वन एफ जीरो एफ टू निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, एल और एच। तो यहाँ से देखिए जो सबसे ज़्यादा लिए थे कौन सा, 16, इसी में जो ये 20 और 30 है ना, इसको देखिए 20 और 30, तो जो छोटा वाला होता है वो एल का मान होता है, छोटा वाला कौन होता है एल का मान। तो क्या आ गया एल बराबर 20, और जब एच निकालना है तो 30 में 20 घटाते हैं, एच निकालने के लिए क्या करते हैं 30 में 20 घटाते हैं। तो इसी को आपको लिखना है, क्या है आंकड़ों से स्पष्ट है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, आंकड़ों से स्पष्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक आवृत्ति कितना है 16 है, इसलिए बहुलक कितना हो गया, इसलिए सर्वाधिक आवृत्ति 16 है, जो कि किसमें है इसको भी लिखना है, वर्गांतर को, ये कौन सा 20 से 30 में है, जो कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप इसको, बहुलक वर्ग 20 से 30 में है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्गांतर को वर्ग भी लिख सकते हैं, तो बहुलक है तो बहुलक वर्ग किसमें है 20 से 30 में है। अगर आपको ये समझ आए तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लगाइएगा क्या हो गया, एफ वन बराबर 16, एफ टू बराबर 12, एफ जीरो बराबर 5, क्लियर हुआ, और एल बराबर 20, एच बराबर हो जाएगा 30 में से 20 घटाना है, बड़ा से छोटा घटाना है, तो 30 में से 20 गया 10, क्लियर हुआ। यहाँ से एफ वन एफ टू एफ जीरो, जो छोटा है वो एल का मान और एच का मान निकालना है, 30 में से 20 घटाना है, क्लियर है, बड़ा से छोटा बराबर कितना आ गया 10। अब इन सब मान को आपको रखना है, तो यहाँ से आप मान रखेंगे एल, एल का मान कितना आया 20, प्लस एफ वन का मान कितना आया 16, माइनस एफ जीरो का मान कितना आया, एफ जीरो का मान 5, गुड़ा एच, एच का मान कितना आया 10, बटा टू एफ वन, तो टू एफ वन है तो गुड़ा में है, तो यहाँ कोष्टक में लिखना है एफ वन का मान कितना 16, माइनस एफ जीरो, एफ जीरो का मान कितना है 5, और एफ टू, एफ टू का मान कितना है 12। आपको ध्यानपूर्वक मान को रखना है,
मान को ध्यानपूर्वक रखना है, तो यहाँ से हो गया 20, 16 में से 5 गया 11 गुणा 10 बटा, ये गुणा होगा 16 दूनी 32, ये माइनस माइनस है तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो 12 और 5 17, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस। अब यहाँ से हो गया 20 प्लस 11 गुणा 10 बटा 32 में 17 घटाइए कितना बचेगा, ये 15, ये हो जाएगा 17 5 22 10 32, ये हो जाएगा कितना बचेगा 15। अब इसको आप कटा सकते हैं, यहाँ से आपको रफ कार्य करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो कितना बचा 20 प्लस यहाँ 11 और ये 2, तो 11 दूनी 22 बटा 3, समझ में, ये 5 दूनी 10 5 तिया 15 और 11 दूनी 22 बटा 3। अब 3 से 22 को भाग देना है, ये आप रफ कार्य इसको कर लीजिएगा, ये हो गया 22, ये 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 सत्ते 21, दो में से एक गया 1, ये कट, दशमलव लगाएंगे शून्य बढ़ेगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाने के बाद एक शून्य बढ़ता जाता है, 3 तिया 9, तो कितना आया 7.33, तो ये हो गया 20 प्लस 7.33। जोड़ने का तरीका बताया हूँ, यहाँ 20 के बाद दशमलव करके दो शून्य आपको लगाना है, उसके बाद इसको 7.33 ऐसा करना है, तो ये हो गया 3 3 20 और 7 27, इस प्रकार आपको जोड़ना है ना, तो कितना हो गया 20 और 7 27.33, यही क्या है इसका बहुलक है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए और उसको ढूंढने आना चाहिए जितना में ये है इसको किस प्रकार उसमें निकालेंगे, बाकी ये आसान है। देखिए प्रश्न 14, ये भी 4 नंबर का सवाल है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6, 0 से होकर जाती है। सिंपल सा है, आपको प्रवणता का फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे प्रवणता का फार्मूला है बता दूँ, प्रवणता इसका होता है, प्रवणता का फार्मूला y2 - y1 बटा x2 - x1। अब यहाँ पर देखिए प्रवणता हमको पहले से दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, सिंपल सा आपको मान बस रखना है, फार्मूला यहाँ पर आप दिया है करके लिख सकते हैं, दिया है क्या दिया है, प्रवणता कितना दिया है 7/3 पहले से। अब रेखा पर पहला बिंदु दिया है, ये पहला बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला बिंदु कितना दिया है 6, 0, और दूसरा बिंदु आप मान लेंगे, दूसरा बिंदु हम ले लेंगे अपने मन से, दूसरा बिंदु ले लेते हैं क्या x और y, क्लियर, नहीं दिया है तो अब इसको क्या करना है आपको मानना है x1 y1 x2 y2, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं, यहाँ x1 बराबर 6 और y1 बराबर 0 और इसमें x2 बराबर x और y2 बराबर y। क्लियर हुआ, x1 y1 x2 y2, इसको ले लिए। अब प्रवणता के बदले क्या लिखेंगे 7/3, y2 के बदले क्या लिखेंगे, ये यहाँ से देखिए y माइनस, y1 के बदले लिखेंगे 0, x2 के बदले लिखेंगे x और x1 के बदले लिखेंगे 6, मान रखना है बस सिंपल सा। अब यहाँ से हो जाएगा ये 7/3 हो गया बराबर, ये y में शून्य घटाएंगे y ही बचेगा, बटा x माइनस 6, क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, इसका तिर्यक गुणा होगा, यानी मतलब ये इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 7, ये x माइनस 6 इधर आ जाएगा, तो कोष्टक में लिखना है x माइनस 6, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y, तो यहाँ से गुणा होगा 7 और x से गुणा करेंगे 7x माइनस 7 × 42 बराबर 3y, क्लियर हुआ। 7 का गुणा दोनों में करना है, 7 और x का 7x 7 × 42 बराबर 3y। अब यहाँ जमा के इसको लिखना है, ये 7x ये 3y इधर आएगा तो प्लस रहता है, तो प्लस उल्टा हो जाएगा माइनस, ये -42 बराबर इधर कुछ नहीं है तो 0, समझ में, जमा के इसको लिखा हूँ बस 7x, ये प्लस उल्टा माइनस x के बाद y और ये -42 वैसी रहेगी, इसको नहीं बदलना है, तो ये क्या बन गया, इसका समीकरण बन गया, बनाना था इसको क्या बनाना था, ये सरल रेखा का समीकरण, यही क्या है सरल रेखा का समीकरण है।
इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।